विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा संध्याकालीन कैंडल मार्च निकाला गया और शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संध्याकालीन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वंदे मातरम के नारे भी लगाए और कहा कि शहीद हुए जवानों का बदला अवश्य लेनी चाहिए। पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर। बढ़िए। अरब आतंकवादियों को सफाया करो, भारत से आतंकवादियों के सफाया करो, हजार मसूद हाय 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 मसूद हाय हाय। कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, हम लोग मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, जितने हमारे भाई शहीद हुए हैं, इन लोग का जितना खून हुआ है, हम लोग का खून के बदला खून चाहिए। मोदी जी पे आप जरूर एक बार फिर से इसके बदले 400 चाहिए। हमारे कितने माँ कितने बाप के बिना हमारे भाई जान हुआ, इतना मेरा खून निकला भाई लोग का। मैं आज इस खेती पर हम लोग आप दुखी मानते हैं। मोदी जी कुछ आप सोचिए इस पे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार। थैंक यू ओझा जी। डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग मेंबर्स, हम सभी कल जो हमारे देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना घटी उससे वाकिफ है, हम सभी उससे हताहत हैं। मैं समझता हूं आप सभी अवेयर होंगे कि कल पुलवामा में एक आतंकी घटना हुई जिसमें हमारे देश के सैनिक जो सीआरपीएफ के लोग थे, जिनके जागने की वजह से हम सोते हैं,
उनकी निर्मम हत्या की गई, उनको बम ब्लास्ट में इस प्रकार उड़ा दिया गया कि उनके शरीर के चिथड़े भी अभी तक हम लोग नहीं बटोर सके, और हर घंटे हमें एक नई संख्या मिल रही है कि हमारे इतने नौजवान शहीद हो गए। बच्चों, ये एक छोटी घटना नहीं है, हम उन शहीदों के लिए आज यहां एकत्रित हुए हैं जिनकी वजह से हम निश्चिंती के साथ अपने रोजमर्रा के कार्य देश के अंदर निर्भीकता से करते हैं। तो आज हम सभी, मैं समझता हूं आप बच्चे भी जरूर हताहत होंगे कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है। हम सभी इस घटना की भर्त्सना करते हैं, इसके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो भी इस साजिश के पीछे है उसे बार के पीछे होना चाहिए, उसे कानूनन जो भी दंड मिलना है वो अवश्य मिलना चाहिए। इसकी डिमांड भी हम करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप सभी भी इससे हताहत हैं, और आज उस अवसर पर हम लोग एक मौन भी रखेंगे। अभी ओझा जी जो आपके टीचर हैं वो आगे इस कार्यक्रम को पूरा करते हुए मौन के साथ हम लोग आज के इस सभा का समापन करेंगे। ओझा जी आप।